पुलिस ने अवैध शराब भट्टियों को किया नष्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से आ रही, जहां पर पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील घुले चंद्रभान के निर्देश में अवैध शराब भट्टियों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की गई, जिसमें 585 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित उपकरण व मिश्रण सामग्री बरामद की गई। इस मामले में कुल 18,500 लीटर लहन को नष्ट किया गया, वहीं 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर दिया गया। जी हां, आपको बताते चले कि थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर रसूलपुर से जितेंद्र चौहान पुत्र लालू चौहान निवासी नरुल्लापुर करखन्ना थाना मधुबन के कब्जे से करीब 435 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण व सहित मिश्रण सामग्री को नौसादर यूरिया फिटकरी नमक आदि सामग्री बरामद की गई तथा मौके से 18,500 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया है। इस दौरान 2 व्यक्ति भागने में सफल रहे, वहीं साथ ही थाना घूसी पुलिस द्वारा खैरा मोहम्मदपुर से झारत पुत्र लाल बिहारी निवासी खैरा मोहम्मदपुर थाना घोसी के कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब व बड़ागांव से दिनेश कुमार पुत्र प्यारेलाल सोनकर निवासी बड़ागांव पोखरा थाना घोसी से के कब्जे से 100 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद कर लिया गया तथा गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस क्रम में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। आप देख रहे हैं तहलका ब्यूरो मऊ की एक रिपोर्ट। आगे से वो अगवा दरुइया है क्या है? बाल्टी 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 हटा लो ना, भरने होने काम आएगा।